बायो मॉलिक्यूल्स, हिंदी में इसको कहते हैं जैव अणु। अब यहाँ पे बात आती है जैव अणु, जैव अणु किसको कहते हैं, जैव अणु किसको कहते हैं, जैव शरीर, जैव शरीर की मूल आधार संरचना जिन अणुओं से निर्मित हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहा जाता है। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ पाई एक बार फिर से बताते हैं कि जैव शरीर, जैव शरीर जैसे हम लोग का भी शरीर जैव शरीर है, कोई एनिमल्स का भी शरीर क्या है, जैव शरीर है, उसकी मूल आधार संरचना जिन अणुओं से हुआ है, जैसे हम लोग का बॉडी का जो संरचना स्ट्रक्चर जिस मॉलिक्यूल से हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल। समझ पाई, लिख लीजिए, द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर हो गया yes, क्या लिखे, द मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म ऑफ फंडामेंटल बेस स्ट्रक्चर ऑफ बायो बॉडी सच एज प्लांट एनिमल, आप ह्यूमन भी लिख सकते हैं, कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। जैव शरीर की मूल आधार संरचना जिन अणुओं से हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग का ये पूरा बॉडी देख रहा है ना, तो ये पूरा बॉडी का निर्माण कि जिस अणु से हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। समझ पाई बात, फॉर एग्जाम्पल अब ये शरीर कौन सा बायो मॉलिक्यूल से हुआ है, पहला एग्जाम्पल हमारा होगा कार्बोहाइड्रेट, पहला एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और हार्मोन्स नहीं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाती है आपका, बायो मॉलिक्यूल्स कहलाती है। समझ में आया, हिंदी में लिखना चाहते हैं, चलो आगे, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, छोटी सी भाषा में आपको हम समझाएंगे कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा ठीक। वे जैव रासायनिक पदार्थ, जैव रासायनिक पदार्थ मतलब समझ में आता है, बायो केमिकल सब्सटेंस, जैव रासायनिक पदार्थ जिनके जल अपघटन कराने पर यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। समझ पाई बात, नहीं आया समझ में, कि वो जैव रासायनिक पदार्थ जिसका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त हो क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है, एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। समझ आ गया, लिखे, दैट्स बायोकेमिकल सब्सटेंस, दैट्स बायोकेमिकल सब्सटेंस That's bio समझ पाए, वह जैव रासायनिक पदार्थ जिसको क्या कहते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या देता है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन्स देता है, क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है।
देयर आर, हाँ इसी के नीचे प्रग्राफ चलते थे इतना, देयर आर एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंट इन थ्री हेमी एसिटल एंड एसिटल फॉर्म. हेमी एसिटल और एसिटल थ्री अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में मौजूद होते हैं. कहां पे? कार्बोहाइड्रेट में. कौन कौन? एल्डिहाइड और कीटोन्स. आगे बढ़े, जल्दी बनाइए. ये किस फॉर्म को दिखा रहा है? फ्री एल्डिहाइड. क्या ये फ्री एल्डिहाइड? यहां पे आपका दो बॉन्ड दिखाई देता है, एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड. अगर पाई बॉन्ड टूटा तो ये तो एच है आपके पास, सी सिंगल बॉन्ड, ओ यहां पे लग जाएगा. एक वैलेंसी कहां पे बचा? कार्बन पे, और एक वैलेंसी ऑक्सीजन पे. इतनी सी बात आपको समझ में आया? ठीक, नीचे आइए. चलिए ध्यान से देखिए, वो वहां पे आपको बात समझ में आया. अब इस बॉन्ड के टूटने से क्या होगी उसको भी आप थोड़ा सा समझ लेंगे. कि ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, किसके पास? ऑक्सीजन के पास. मतलब यहां भी क्या लग जाएगा? एच. ठीक, अब इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बचा हुआ है, किस कहां से? यहां से. और इसका भी एक टूटा हुआ है. दोनों इसको कहते हैं हेमी एसिटल फॉर्म. समझ में आया स्ट्रक्चर? समझ में आई? डाउट है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का नामकरण कैसे करेंगे? एक ही बार में दिमाग में लगा दे, एक ही बार में. याद होगा? क्या याद रखना है आपको? सफिक्स ओ एस ई याद रखना है, बस ओ एस ई. अब इतनी बात तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें दो चीज हमारा कंटेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन्स, है कि नहीं? चल सफिक्स क्या लगाएंगे? ओ एस ई, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या बन गया? एल्डोज बना. क्या लगा? ओएसई लगा. बोलिए. समझ में आया? ये आपका पूरा बायो मॉलिक्यूल्स को खत्म करेगा. कौन? ओएसई. एल्डिहाइड से क्या बना? एल्डोज. कीटोन से क्या बना? कीटोन्स. नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम. कार्बन की संख्या, कार्बन एटम की संख्या के आधार पर नामकरण. आपको यहां पे हम जानकारी के लिए बता दें, बायोमोलिक्यूल्स में तीन कार्बन से नामकरण स्टार्ट होता है, दो कार्बन का कोई भी बायोमोलिक्यूल्स नहीं है. मेरा बात समझ में आया? दो कार्बन वाला कोई भी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है,
कोई भी बायो मॉलिक्यूल्स का कार्बन कितना से शुरू होता है, हमारा 3 से शुरू होता है। आप ये बात याद रखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। अब आप क्या पढ़े थे जल्दी बताइए, पढ़े थे yes, और एक क्या पढ़े थे कीटोस। बायो मॉलिक्यूल्स कितने कार्बन से स्टार्ट होती है, 3। तीन को क्या कहते हैं, मोनो डाई ट्राई ये कहते हैं नहीं कहते हैं, कहते हैं। चलिए अगर तीन को ट्राई कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं, तो एल्डोस का नाम क्या होगा उसको ध्यान से देखना ठीक। एल जल्दी ट्राई जोड़ना है, एल दो, एल दो, एल दो, एल दो ट्राई। नहीं समझ में आया, चार को क्या कहते हैं, टेट्रा, नाम क्या होगा, एल्डो टेट्रोस, एल्डो टेट्रोस। समझ में आया, पांच को, फाइव को, एल्डो टेट्रोस। ओएसी हम क्या बोले, बायो मॉलिक्यूल्स का बेड़ा पार कर देगा कौन, ओएसी। सिक्स को, एल्डो हेक्सोस, एल्डो। सेवन को, हाँ एल्डो हेप्टोस, एल्डो हेप्टोस, सेवन तक ही होता है ठीक। हो गया, अब इधर पढ़े yes, बोलिए, कीटो ट्राइयोस नहीं है yes, अब लिख पाएंगे हमको लगता है yes, कीटो टेट्रोस। नामकरण में दिक्कत है सर। हो गया, आगे बढ़े हम लोग, एल्डिहाइड कितना कार्बन से शुरू, तीन कार्बन से, कितना कार्बन से, तीन कार्बन से। इसका क्या मतलब, C3 H इसका दुगुना, H इसका दुगुना ऑक्सीजन कार्बन के समान। समझ में आया नहीं समझ पाई, तीन कार्बन से शुरू होता है C3 हाइड्रोजन कार्बन का दुगुना ऑक्सीजन कार्बन के समान C3H6O3। क्या नाम, एल्डिहाइड बन रहे हैं जल्दी बोलिए, एल्डो ट्राइयोस। अभी लिखिए ऊपर में नाम yes, sir. नहीं है, क्या नाम इसका, एल्डो ट्राइयोस।
स्ट्रक्चर बनाए, एक दो तीन, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, CH2OH, क्लियर, ये C है, ओ एच और H, ओ एच एच, ये C में क्या है, CH और सीधे लिखते हैं, चलेगा क्या, यहाँ पे CH और लिखते हैं कि तोड़ नहीं सकिएगा, नहीं पाएंगे तोड़ने, वही बात तो था, समझ में आया, ये किसका स्ट्रक्चर, एल्डो ट्राइओस का, हो गया पहला नंबर, सेकंड नंबर कितना कार्बन, अब हमको नहीं बताना पड़ेगा सर, C4H8O4, ये देख रहे हैं CH OH देख रहे हैं आप, इसको दो टाइम ले लो, मतलब CH2OH, हाँ गड़बड़ कर दी का, CHOH ये दो टाइम, फिर बना, समझ पाई, स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे ख्याल से, चार कार्बन लगा, बना पाएगी स्ट्रक्चर, नहीं बना पाएगी, एक दो तीन चार, क्या होगा CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, इधर H, यहाँ पे OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O, अब तो समझ में आया होगा, यस सर, बाकी का बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए थ्री नंबर आइए, कितना, फाइव, C5H10O5, CH2OH, CHOH कितना टाइम, थ्री टाइम, CHO, अब फिर नहीं समझ में आया, समझ गई, चौथा नंबर कितना कार्बन के लिए, छह कार्बन के लिए, C6H12O6, बोलिए CH2OH, CHOH कितना टाइम, फोर टाइम, CHO, इसी और कितना है जी, सेवन का विषय हमको खास जरूरत नहीं पड़ता है, बनाना चाहते बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, आपके पास में नॉलेज आ गया, कीटोन, कीटोन भी कितना कार्बन से स्टार्ट, थ्री कार्बन से स्टार्ट, फॉर्मूला पता है, हाँ वही रहेगा, लिख दें C3H6O3, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यस यस, समझ पा रही है, यस सर, चलिए CH2OH, CO, CH2OH, ये हुआ, बना पाएगी स्ट्रक्चर, यस सर, बना पाएगी कि नहीं, उधर बना बताए, हाँ एक बनाएंगे, कार्बन कितना, यहाँ पे जान देखो ना है, हाँ ये बना बना,
चलिए कितना नंबर, फोर। फोर नंबर में क्या होगा, सी फोर एच एट ओ फोर, स्ट्रक्चर सी एच टू ओ एच सी ओ, उसके बाद में क्या जोड़ेंगे, सी एच ओ एच, क्या जोड़ेंगे, सी एच ओ एच, फिर सी एच टू ओ एच, समझ में आया। और स्ट्रक्चर बना दे इसका भी, बनाओ इसका स्ट्रक्चर क्या, एक दो तीन चार, यहां पे ओ एच, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए यही पे है डबल बोन ओ, आप ऊपर में लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहां पर भी क्या लिख सकते हैं डबल बोन, यहां पे ओ एच, इधर एच, इधर सी एच टू ओ एच, देखिए समझ में आई। पांचवा कार्बन के लिए आइए, क्या होगा, सी फाइव एच एट ओ फाइव, एच टेन, गड़बड़ हो जा रहा है, बोलिए सी एच टू ओ एच सी ओ सी एच ओ एच, कितना टाइम, टू टाइम सी एच टू ओ एच। आ रहा है समझ में, छह कार्बन, सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, फॉर्मूला बोलिए, सी एच टू ओ एच सी ओ सी एच ओ एच, कितना टाइम, थ्री टाइम सी एच टू ओ एच, समझ पाई होगी। स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, नाम भी सबको मालूम है, yes, sir। इसका क्या नाम, कीटो हेक्सोस, इसका क्या नाम, कीटो ट्रायोस, नहीं पता, तोड़ दे, हाँ तोड़ना ही पड़ेगा। हुआ, अब भी नहीं बनेगा तो बनाओ, ये H यहां पर, H यहां पे, O यहां पे, H, यही तो था। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिख ली, इसका वर्गीकरण किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सबसे पहले कितनी तरह से, दो तरह से। पहला वाला को कहते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण के आधार पे, समझ में आ गया। पहला क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मोनोसेचराइड्स, बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मोनो सेचराइड्स। ये दो आधार से इसको तोड़ा जाता है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे आगे जाके ये दो भाग माउंट टूटती है, कौन, कार्बोहाइड्रेट, किस किस में टूटता है, शुगर और नॉन शुगर में। हो गया, ये मोनोसैचराइड्स आगे जाके तीन भाग में और टूटेगा, कितना भाग में, एक को क्या कहते हैं, मोनो
हो गया मोनोसैचराइड, ऑलिगोसैचराइड और पॉलीसैचराइड। हो गया, इसमें केवल आपका कितना यूनिट, वन यूनिट। इसमें आपका कितना, टू टू टेन यूनिट, मोर देन टेन यूनिट। समझी? यस सर। आया समझ में? ओलिगोसैचुराइड्स आगे जाकर तीन भाग में हो, ओलिगोसैचुराइड्स आगे जाके और कितना में टूटता है, तीन भाग में, उसको कहते हैं डाइसैचुराइड्स, ट्राइसैचुराइड्स और पॉलीसैचुराइड्स। डाई लिख ले, इसको आप टेट्रा भी बोल सकते हैं, पॉली को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। ठीक, आगे बढ़े। ये क्लासिफिकेशन था हमारा कि सैचुराइड्स को हम सबसे पहले दो भाग में बांटे, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ मोनोसैचुराइड्स। मोनोसैचुराइड तीन भाग में टूटा, मोनोसैचुराइड यानी कि वन यूनिट, ऑलिगोसैचुराइड्स टू टू टेन यूनिट और पॉलीसैचुराइड मोर देन टेन यूनिट। ऑलिगोसैचुराइड्स फिर तीन पार्ट में, डाइसैचुराइड, ट्राइसैचुराइड और टेट्रासैचुराइड या पॉलीसैचुराइड आप बोल सकते हैं। ठीक, टेट्रा भी लिख देंगे आप ब्रैकेट्स में। चलिए, शुगर, शुगर अभी था ना हमारे पास में, सॉलिड क्रिस्टलिन, है चीनी देखे ना, चीनी yes, sir. हो गया, सोल्यूबल इन वाटर। एग्जांपल में जल्दी, ये है सक्रोज, जो भी बोलते हैं, बायोलॉजी का नाम उल्टा पलटा है, हम नहीं जानते तो पहले बोले। हो गया, आगे बढ़े। नन सुगर, सॉलिड एमल्कोस, कौन, नन सुगर। हो गया, तीसरा नंबर आइए, सेमी सॉल्युबल इन वाटर। हो गया, एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च
सेलुलोज और ग्लाइकोजेन, ये इसका एग्जांपल। हो गया, मोनोसैचराइड्स पहला नंबर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैचराइड्स को क्या कहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। दूसरा काइनोट भी हाइड्रोलाइसिस, अब इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। तीसरा क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है, और इसका स्वाद मीठा, स्वीट टेस्ट। और एक लिख लीजिए, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। ये था आपका मोनो सैचराइड्स है। आगे बढ़े हम लोग, ये पार्ट को मिटा रहे हैं, एग्जांपल। एग्जांपल डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, एग्जांपल में क्या होगा, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, सब में सफिक्स ओएसी, ओएसी। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, CH2OH के ऊपर से जुड़े हुए कार्बन का OH, मेरा बात समझ में आया, CH2OH के ऊपर वाले कार्बन से जुड़े हुए OH अगर आपका लेफ्ट साइड है तो D, राइट साइड है तो L, ठीक। OH है इधर है तो D, इधर है तो L। L का मतलब होता है लिवोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी, L का मतलब लिवोरोटेटरी, हो गया। और D का मतलब हुआ डेक्सट्रक्स, डेक्सट्रक्स, DEXTROAC, लिख लिए। डी का मतलब क्या हुआ, डेक्ट्रोस, और एल का क्या मतलब हुआ, लेवो रोटेट्री, रोटेट्री, समझ पाया, समझ पाई क्या, यस सर, लेवो रोटेट्री और डेक्स्ट्रोस। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है हमारे पास, सी एच टू ओ एच इधर, ओ एच इधर, एच इधर, एच इधर, ओ एच, एच ओ एच, गड़बड़, सही है, अब तो सही है कि नहीं, ध्यान दीजिए इधर, ये कौन सा ओएच का बात कर रहे थे हम, ये ओएच का बात कर रहे थे, किधर, उधर,
तो क्या नाम लगेगा इसका आगे? सीधे डी ग्लूकोज। क्या मेरा बात समझ पाई? नहीं समझ पाया? आया पा रही समझ में? इसका नाम क्या? डी ग्लूकोज। और आगे थोड़ा सा इसका क्या नाम? एल ग्लूकोज। इसका नाम 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 नोमेनक्लेचर जल्दी बोलो। हाँ एल्डो सेक्सो लिखो यहां। कल का डेट में ही पूछेगा ग्लूकोज को किसके नाम से जानते हैं? CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COH H CHOH एक दो तीन चार पांच ये छह CH2OH इधर OH इधर H क्या ये कीटोस है? कीटोन सीधे लिखो इसको कीटो हेक्सोस। अगर ये इधर तो एल समझ पाई? चलिए ओलिगोसैचेराइड्स हाइड्रोलाइसिस कराने पर 2 से 10 मोनोसैचेराइड देता है उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसैचेराइड्स। बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव 2 to 10 मोनोसैचेराइड यही ना। सही लिखे? यस सर। दूसरा पॉइंट सोल्यूबल इन वाटर। इसका स्वाद भी मीठा है स्वीट टेस्ट सॉलिड क्रिस्टल। हो गया डाइसैचराइड्स एग्जांपल इसका इसी अभी आएंगे हम एग्जांपल पे आएंगे। अगर एग्जांपल लिखना चाहती है तो लिख दो रेफिनोज 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 ऐसे आर ए वो ऐसी तो चलते रहेगा भाई मॉलिक्यूल्स का सफिक्स है इसका। फॉर्मूला C18 H32 और O16 O16 हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं? H2O जुड़ेगा। हो गया चलिए
डाइसेचराइड्स। डाई का मतलब जिसको हाइड्रोलिसिस कराने पर दो मोनोसेचराइड्स मिलता है। डाई कहेंगे, डाई का मतलब क्या? दो। तो क्या लिखेंगे? बाय हाइड्रोलाइसिस टू की टू मोनोसेचराइड्स। बाय हाइड्रोलाइसिस टू गिव टू मोनोसेचराइड्स। समझ पाई? फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सुक्रोज। C12H22H11 C12H22H11 क्या करेंगे? क्या करेंगे इसको? हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H2O के साथ में। चलिए बनाइए, क्या मिलेगा? C6H12O6 plus C6H12O6। लेकिन दोनों अलग अलग है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। समझ में आया? नाम भी लिख दो, एक क्या है आपका? ग्लूकोज, तो एक फ्रक्टोज। दो मोनोसैकेराइड्स दिया। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल C12H22H11। ये इसका नाम यहाँ पे क्या था? सुक्रोज ना, सुक्रोज। इसका नाम है माल्टोस, ठीक। इसका भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बोलिए। C6H12O6 टू टाइम देगा, कितना टाइम? टू टाइम ग्लूकोज। जबकि ये क्या बनाता था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लेकिन मेल्टोस आपका क्या बनाता है? दो टाइम ग्लूकोज ही बना देता है। हो गया। और एक एग्जांपल यहां पे, चलिए लैक्टोज। फॉर्मूला तो वही होता है, C12H22 plus H2O। चलिए ये क्या बनाएगा आपका? डी ग्लूकोज और डी ग्लाइकोज। फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6 plus C6H12O6। ये डी ग्लूकोज, एक क्या बनाएगा? डी ग्लूकोज और एक बनाएगा डी ग्लाइकोज, ये बनाएगा।